ड्रग दो ड्रग दो ड्रग दो, मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो। वो कहती है मुझे ड्रग दो, मेरे लिए गांजा लाओ, चरस लाओ, एमडीएमए लाओ, एक्सटेंसी लाओ। आपको अगर एंटरटेनमेंट चाहिए तो आपको ज़रूरत नहीं है किसी और इंटरनेट प्लेटफॉर्म पर जाने की, आपको पूरा का पूरा एंटरटेनमेंट हमारे इस न्यूज़ चैनल पर मिल जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ हमारा चैनल लगा के रखना है जो आपको फुल और फुल फुल ऑन एंटरटेनमेंट देगा। हमारा काम ही यही है कि आपका टाइम पास करना और आपको एंटरटेनमेंट देना। हमें चाहिए टीआरपी, 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 टीआरपी। हम सिर्फ उसके पीछे भागते हैं, हमारा कोई इंटेंशन नहीं है अदर इश्यूज में घुसने का, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज हमें तोड़ फाड़ के रख देगी। हमारा कोई इशू नहीं है कि हम किसी अदर के इशू में झाके और हमारा इशू का टिश्यू हो जाए, इसलिए हमें किसी भी और मैटर में इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ दो तीन मुद्दे के पीछे भागेंगे जो कि आपको पसंद है और आपको देखने में मज़ा आता है। कंट्रोल कंट्रोल उदय, हम भी मजे लेते हैं, आप भी मजे लेती है। चलिए हमारी आज की न्यूज रिपोर्टिंग चालू करते हैं। हमारा चैनल देख ही रहे हैं तो मैं आपको इत्तला कर दूं इस बात से कि आपको सिर्फ अपना टीवी ऑन करके कहीं भी चले जाना है, क्योंकि हमारे रिपोर्टर्स का आवाज इतना बुलंद है कि वो कहीं भी पहुंच जा सकता है। आप अगर अपने टीवी का आवाज एक पर भी रखें तो आपको वो आवाज पहुंच जाएगी। इस लॉकडाउन में हमने कोरोना पर इतने मुद्दे उठाए हैं कि कोरोना अभी शर्मा जाएगा, बियॉन्से शर्मा जाएगा। कोरोना हमारा चाचा भतीजा ही हो गया है अभी। हम तो रिपोर्टिंग ऐसे करते हैं जैसे भीड़ में जा रहे हैं। हमें ही क्योंकि प्रॉब्लम नहीं है कोरोना से तो देश की जनता में क्या होगा। हम ही टीआरपी बटोरने के लिए इतनी न्यूज़ रिपोर्टिंग गर्दी में जाके करते हैं, उसके हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो हमारा चाचा या भतीजा है। हमारे लिए कोई रूल्स नहीं रखे गए क्योंकि हम मीडिया है। हम माइग्रेंट वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स, जॉबलेस जनता और फार्मर्स की सुसाइड और उनके प्रॉब्लम्स, इन्वायरमेंटल इफेक्ट, इस पर कोई भाषण नहीं देना चाहते। हमें ये टॉपिक कवर करने का कोई मन नहीं है कि हमें ज़रूरत है टीआरपी की, हमें ज़रूरत है टीआरपी की। हम बोलते हैं कि हमें टीआरपी दो, 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 हमें चाहिए ही सिर्फ टीआरपी। हमारा फोकस ही इन चीज़ों पे है जिससे आपको एंटरटेनमेंट मिले, जैसे सुशांत सिंह राजपूत की डेथ फिर भी, या फिर दीपिका पादुकोण, फिर कंगना रनौत, रहा सहावा चाइना आ जाता है, उन्हें हम कवर कर लेते हैं थोड़ा सा, नहीं तो किम जोंग उन है ही हमारे, और नहीं तो नहीं हमें नहीं कोई मिला तो हम पाकिस्तान पे चले ही जाते हैं क्योंकि हमें वहाँ से आपसे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल जाता है। हम हमारे देश के इशू कवर ही नहीं करेंगे, हम दूसरे देश के इशू को देखेंगे। हम ये जताएंगे कि वो हमसे कितने कम है, पर ये नहीं जताएंगे कि हमारे में क्या कमी है। जब अपनी ही थाली में छेद है तो हम दूसरे की थाली में क्यों ना झाके। हमारी थाली ठीक करनी है या नहीं करनी है, ये इसको हमें कोई लेना देना नहीं पड़ा है। आप सिर्फ और सिर्फ वही देखते हैं जो फेमस लोग करते हैं। आपको किसी भी और हमें भी, आपको और हमें किसी भी लोअर सोसाइटी की चिंता नहीं है, क्योंकि उनके साथ कितना भी कुछ हो वो कोर्ट के चक्कर लगाते रहेंगे, पर अगर किसी सेलिब्रिटी के साथ ये हो तो उसे कितने एडवांटेजेस मिल जाते हैं। तो हमें सिर्फ ये मुद्दा है कि हम आपको इंसाफ दिलाएंगे, बशर्ते आप सेलिब्रिटी होने चाहिए। हम आपको तभी इंसाफ दिलाएंगे जब आप सेलिब्रिटी होंगे, जब आप सेलिब्रिटी नहीं होंगे तो हम आपकी तरफ देखेंगे भी नहीं, हमको आपसे कोई लेना देना नहीं है। हमारा देश का जीडीपी इतना कभी नहीं गिरा जितना इस बार गिरा है। -5 तक आया था बट -25 कभी नहीं आया, और उससे इतना ध्यान हम लोगों ने भटका लिया है, हम सरकार से जवाब पूछना ही भूल गए हैं। हम नहीं चाहते कि आप कभी एक हो, हम आपको डिवाइड करते रहेंगे। हमारे न्यूज़ चैनल का उद्देश्य ही यही होता है कि हम आपको धर्म, रिलीजन, कास्ट, इन सब बातों पे बांटते रहे और मोर निगेटिविटी आपको दिखाते रहे।
हमें जो चाहिए आपसे हम वो आपसे पूरा का पूरा वसूल करेंगे, और आपको जो देना चाहेंगे वो तो आपको पता है हम सब लोग देते ही हैं, हम सब आपको पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं, बस मेन मुद्दे को छोड़ के। दिस इज दिस मच हार्ड मैं जो कर रही हूँ इज जस्ट लाइक अ रियलिटी ऑफ इंडिया एंड ये हो रहा है करेंटली, दिस रेप थिंग्स एंड ऑल जो भी है, इट्स वेरी डिस्टर्बिंग टू माइंड नो। जिसका मन जैसे चलाना चाह रहा है देश को, वैसे हम चल रहे हैं। ऐसा ना ही हो तो बेहतर है, हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ के लिए सरकार कुछ कदम उठाए। आपको सिर्फ गुमराह करने की कोशिश है ये सब की, कि आप किसी मेन मुद्दे पर क्वेश्चन ना उठा ले। आपको आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, जब तक आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक इट्स रियली नॉट गोइंग टू हैपन। सो आई एम हैविली साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस वीडियो, सो आई थिंक चेंज विल हैपन एंड चेंज इज़ गुड। सो आई विल प्रे कि चेंज हो, और इफ़ यू लाइक दिस शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दो, और शेयर करो यार। अरे चुप, एक मिनट मेरी बात सुनो। ड्रगी है, ड्रगी है, ड्रगी है, प्रिया चक्रवर्ती ड्रगी है।